यह किसी फिल्म का सेट नहीं बल्कि गुजरात के शहर सिद्धपुर के मकान है। 100 साल से ज्यादा पुराने ये कलरफुल मकान दाऊदी बोरा समुदाय के हैं। दीवार, दरवाजे, खिड़कियां, कोई भी कोना ले लो, कलात्मकता से खाली नहीं है। देखा जाए तो यहाँ के ये मकान गंगा जमुनी तहजीब के भी दृष्टांत हैं, क्योंकि इनमें यूरोपियन, इस्लामिक और हिंदू स्थापत्य की जो संवादिता है वो नजर आती है। बाहर से यह इमारतें यूरोपियन लगती है और अंदर से इसका स्थापत्य इस्लामिक है। बाहर से जितनी अर्वाचीन लगती है, अंदर से उतनी ही पारंपरिक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें न लोहा है, न सीमेंट है, न कंक्रीट है। इसके अगेंस्ट में जो यूज किया है, इसमें मड है, ब्रिक है और वुडन है और लाइम का इस्तेमाल किया है। जब 1920th सेंचुरी में बोराज बिजनेस कम्युनिटी थे पहले से, पर वो सही में आगे आए और दुनिया भर में जहाँ पर भी गए ना, वहाँ से वो सुंदरता लेके सजोड़ के यहाँ उन्होंने भर दी है। RRR, सीतारामम, रईस जैसी फिल्मों का शूटिंग भी यहाँ पर हुआ है। आप गुजरात आए हो और स्थापत्य हेरिटेज में रुचि हो तो आप सिद्धपुर आ सकते हैं। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप किसी शहर में नहीं बल्कि कालखंड में पहुंच गए हैं। चिंता की बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर मकान खाली पड़े हैं। यहाँ पे करीबन 1400 मकान हैं, पर ओपन करीबन 340 मकान हैं। तो डे बाय डे हमारी कम्युनिटी बिजनेस के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन डाउन हो रही है, तो इसका मकान की हिफाजत करने का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। दुख की बात यह भी है कि धरोहर जैसे ये मकान अब कई जगह टूट रहे हैं, विरासत को धक्का पहुंच रहा है। वो इस वक्त कितने मकान डेमोलिश हो रहे हैं, इसकी जगह पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसका लुक, जो स्ट्रीट का लुक भी खत्म हो गया है। जैसे गांधीनगर या चंडीगढ़, जहां पर बाहर का बाहरी देखा हो आपका मकान का कैसा होना चाहिए, उसके प्रॉपर रूल्स हैं, आपको वही फॉलो करना है। बाहर आपको जो है सीमेंट का पार्ट सीमेंट में दिखाना है, ब्रिक का पार्ट ब्रिक में दिखाना है, ऐसा चंडीगढ़ में कहा जाता है कि आप उसमें कोई नया कलर नहीं कर सकते, नया चेंज नहीं कर सकते। सिद्धपुर जैसी एक यूनिक जगह पर इस तरह के रूल्स बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये धरोहर खत्म हो जाएगी तो आने वाली थर्ड या फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन गूगल में इसको सर्च करना पड़ेगा कि सिद्धपुर कहाँ पर है। और सरकार को भी, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है कि ये इनिशिएटिव ले, हमारी कम्युनिटी को मैसेज भी दे कि भाई अपना जो ये धरोहर है, हेरिटेज मकान को बचाना आपकी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि ये जो है इस धरोहर को संभाल के रखा जाए। ये बिल्कुल हमारे देश की एक धरोहर है, परंतु ये बिल्कुल एक प्राइवेट कम्युनिटी के घरों की बात हो रही है। अगर कम्युनिटी की तरफ से ऐसा कोई सुझाव आता है कि इसको हम मेंटेन करें या कैसे करें, तो उनकी सहमति से इसको मेंटेन किया जा सकता है। पर्यटकों के लिए होम स्टे और इन गलियों में हेरिटेज वॉक जैसे आयोजन के जरिए इन इमारतों की देखभाल और संवर्धन की दिशा में काम हो सकता है। तेजस वैद्य, BBC, सिद्धपुर।